हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। सब घर पर ही होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, सब स्वस्थ रहिएगा। तो चलिए, आज मैं अक्षय तृतीया का व्रत कथा और उसका वृद्धि बताएंगे। अक्षय तृतीया को आखा तेज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले दोनों को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और फूल तथा माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन का तिलक करके धूप दीप से आरती करनी चाहिए। मिश्री व भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित व नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सापना सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अगर ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी सामर्थ्य ना हो तो व्यक्ति को अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। अक्षय तृतीया यानी हर घड़ी शुभ। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी काम बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। इसका अर्थ है जिस काम का क्षय यानी खत्म या बेकार ना हो वह अक्षय होता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न प्रदान करता है। इस दिन सुबह के समय सबसे पहले मूंग या चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले खाना बहुत ही शुभ माना गया है। भारत के कई भागों में इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता और ना ही पक्की रसोई की बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपए आदि को श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण अथवा सुपात्र को दान देना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अभी नहीं कर सकते तो आप स्नान करने समय थोड़ी सी पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन जरूर आप लोग श्री कृष्ण की मूर्ति पर चंदन या इत्र का लेपन करना जरूर। आपको अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है, ऐसा विश्वास है। तो चलिए, हम अक्षय तृतीया का व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में महोदय नाम का एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। महोदय को अपने सौभाग्य से एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत की जानकारी मिली। उसने पूरी श्रद्धा व भक्ति भाव से नियम पूर्वक यह व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से वैश्य कुशावती नगरी का महाप्रतापी व शक्तिशाली राजा बन गया। उसके खजाने हमेशा भरा रहा। वह स्वभाव से बहुत धनी था और इसीलिए उदार मन से बिना कुछ सोचे दोनों हाथों से खूब दान किया करता था। राजा के वैभव, सुख व शांति को देखकर कुछ जिज्ञासु लोगों ने इसका कारण राजा से जानना चाहा। राजा ने स्पष्ट रूप से अक्षय तृतीया व्रत की कथा को सभी लोगों को सुनाया तथा व्रत की कृपा के बारे में भी लोगों को बताया। राजा से इस व्रत की महिमा सुनकर जिज्ञासु लोगों तथा राजा की प्रजा ने नियम और विधि विधान से इस व्रत को करना आरंभ किया। अक्षय तृतीया के इस व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नागरवासी धन तथा धान्य से भरपूर हो गए। सभी वैभवशाली और सुखी जीवन जीने लगे। यदि कोई अक्षय तृतीया का व्रत करता है तब अक्षय माता से यही विनती करे कि जिस तरह से उन लोगों की आपने सुनी, ठीक वैसे ही आप हमारी ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही है अक्षय तृतीया का व्रत कथा। पिछले बार मैंने ये भी बताया कि अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन जरूर करना, लेकिन अभी तो संभव नहीं है, लेकिन आप मन में जरूर स्मरण करना। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। वृंदावन में केवल इसी दिन बिहारी जी के पावों के दर्शन होते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त जन चरण देखने के लिए आते थे। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह दिन अत्यधिक शुभ माना गया है। खासकर किसी को विवाह का शुभ मुहूर्त ना मिल रहा हो तब वह इस दिन विवाह कर सकते हैं।
यह पर्व लक्ष्मी विष्णु की आराधना का विशेष पर्व है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ मनुष्य के घर में स्थायी रूप से निवास करे तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु तथा भौतिक सुखों का अभाव हो ही नहीं सकता। स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने भी एक स्थान पर कहा है, भले ही अन्य सारे प्रयोग असफल हो जाए, भले ही साधक नया हो, भले ही उसे स्पष्ट मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान न हो, परंतु अक्षय तृतीया के अवसर पर इसको सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए हम सब मिलकर अक्षय तृतीया का व्रत करेंगे और अक्षय तृतीया का स्वागत करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ या कुछ कथा के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।